इतना श्रम किया, सब कुछ व्यर्थ चला गया। कद्रू, कद्रू मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुमने? बस इतनी आसानी से क्षमा कर दिया तुमने इन दोनों को? कुछ भी नहीं कहा? इस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है दीदी। केवल और केवल मेरे पुत्रों का जीवन महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी आभारी हूं कि इस समय पर तुम मेरे साथ हो। उन दोनों को सही समय पे पकड़ के तुमने मेरा व्रत भंग होने से बचा लिया। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम उनकी निगरानी करो। वो दोनों जो भी कार्य कर रहे हो उन पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। गोबर की प्रतिमा बनाने से लेके पूजा की सामग्री और उद्यापन के भोग तक सब कुछ तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। अवश्य कद्रू, अवश्य। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो अब ना ये अनुष्ठान होगा और ना ही ये पूजा होगी। और मैं ये निश्चित करूंगी कि ये सबका दोष गरुड़ पे ही जाए। माँ, मैंने इनका सेवन नहीं किया। जानती हूँ मैं। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि इन अस्थियों पर जो दांतों के चिन्ह हैं वो किसी असुर के ही हो सकते हैं। हाँ। तो फिर माँ, आपने महारानी को ये क्यों नहीं बताया कि समस्याएं दीति माँ उत्पन्न कर रही है? क्योंकि इस समय मेरा सारा ध्यान इस व्रत को सफल बनाने में है गरुड़, और तुझे भी वही करना चाहिए। कद्रू दीदी मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है वो ये समझ पाए कि कौन उनका हितैषी है और कौन शत्रु। इस समय उनका अपराधी तू है गरुड़, क्योंकि नाग तेरे साथ गए थे और सुरक्षित नहीं लौटे। इस समय उन्हें यह समझाना असंभव है कि तू निर्दोष है, इसलिए हमें अपना समय उसमें नष्ट करने की बजाय इस व्रत की रक्षा में लगाना चाहिए, ताकि कोई भी कद्रू दीदी और नागू का अहित न कर पाए, चाहे जो हो जाए। गरुड़, इस व्रत को सफल होना ही होगा। अब इसे भी करने में वर्ष लगाओगी क्या? शीघ्र करो, कद्रू स्नान करके आती ही होगी। माँ, कितनी दुर्गंध आ रही है। आपकी योजना क्या है? कल आपने मुर्गी उठवाई, आज आप गोबर उठवा रही हैं। अरे आप यहाँ गरुड़ के प्राण लेने आई थी या मुझे दंड देने? तुम्हारे प्राण बस रहे थे ना गरुड़ में। तुम ही लेके आ रहे थे सूचना। तुमने ही मुझे उकसाया है ना। अब मैं जैसा कह रही हूँ उसे चुपचाप करो। तो राहु, कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे, इतने शीघ्र गोबर किसने उठा लिया? कितना भोला बन रहा है। क्या हुआ दीदी? वही जो तुम्हारे साथ होता आया है, धोखा। फिर से धोखा किया है इन लोगों ने। अवश्य इसने और इसकी माँ ने ये सारा गोबर हटा दिया, और ये अब कह रहा है गोबर कहाँ चला गया। देखो क्या, गोबर नहीं है तो मूर्ति कैसे बनेगी? क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? मेरे पुत्रों के प्राण लेना चाहता है तू? हाँ? महारानी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी कोई प्रबंध करता हूँ। सहायता करने का कैसा स्वांग रच रहा है ये। कद्रू, पूजा का समय आरंभ होने को है। यदि सही समय पर व्रत आरंभ नहीं किया तो क्या पता इस व्रत का फल तुम्हें मिल पाएगा या नहीं, तुम्हारा ये व्रत सफल हो पाएगा क्या नहीं। तो फिर मेरा व्रत। हे गौ माता, आप जानती हैं मैं निर्दोष हूँ। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत का प्रण किया है, जिसके लिए आपका गोबर बहुत आवश्यक है। मेरी माँ का मनोरथ सिद्ध करवाने में और मेरे भाइयों की प्राण रक्षा करने में सहायता कीजिए गौ माता। हे गौ माता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपका बहुत बहुत आभार। ठहरो दीदी, जब तक मेरा व्रत सफल नहीं होता तुम्हें हर कार्य पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो या मेरे व्रत की तैयारी में कोई भी विघ्न आए। मैं गरुड़ को इस प्रकार मेरी योजना विफल करने नहीं दे सकती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि ये आपका षड्यंत्र था या नहीं। मैं अपना ध्यान तो केवल इस व्रत को सफल बनाने पर लगाना चाहता हूँ, ताकि मेरे नाग भाई स्वस्थ हो सके। लीजिए महारानी, यह अंतिम मूर्ति भी पूर्ण हुई। अद्भुत, ये मूर्तियां दिखने में साधारण है परंतु कितनी दिव्य है मां। इतने कम समय में तूने प्रभु की इतनी सुंदर मूर्ति बना दी, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु नारायण इसमें आकर बस गए हो और हमें आशीर्वाद दे रहे हो। ये तो आपके मन के अच्छे भाव हैं दीदी, और सच कहूं तो जिस तरह से आपने स्वयं को इस व्रत के लिए तैयार किया है, उसे देखने के बाद मुझे कोई शंका नहीं है कि हम दोनों का ये व्रत अवश्य ही सफल होगा और आपके घायल पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। इन दोनों के सुर तो फिर से मिल गए हैं माँ। आपकी सारी योजनाएं एक के बाद एक असफल होती जा रही हैं। जब तक विंता कद्रू के साथ रहेगी और करूर विंता के साथ, तब तक हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए वक्त आ गया है माँ को बेटी से अलग करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम दोनों इतनी अच्छी भावनाओं के साथ इस व्रत का आरंभ कर रहे हो। पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। अभी तो पूरा दिन व्रत भी रखना है और पूजा का भोग भी बनाना है, और कल व्रत खोलने के लिए मरुआ का आटा और मूंग का साग भी तो लेकर आना है। पर ये दोनों वस्तुएं इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं लाऊंगा। मुझे बताइए ये दोनों वस्तुएं कहां मिलेंगी? कोई आवश्यकता नहीं है गरुड़, हमारे भाइयों के प्राण संकट में है। मैं और तक्षक भैया स्वयं जाएंगे। तुम दोनों लेकर आओगे? अगर तुम दोनों चले जाओगे तो तुम्हारे भाइयों का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी तुम दोनों में से किसी एक का तुम्हारी माँ के पास रहना आवश्यक है, तभी तो शांति से पूजा में ध्यान केंद्रित कर पाएगी। कालिया, दीदी सही कह रही है। आप सब चिंता मत कीजिए, गरुड़ कोई त्रुटि नहीं करेगा। आपके साथ साथ मैं भी तो ये व्रत कर रही हूँ। तो फिर बस तय हुआ। गरुड़, तुम्हें पूर्वी दिशा में 7 पहाड़ों को पार करके एक गांव मिलेगा। वहां पे तुम्हें सोमदत्त नाम का व्यक्ति मिलेगा, उसी के पास तुम्हें मरू का आटा मिलेगा। बस पूजा कर ले आओ, और नूनी का साग कैसे लाना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? आज्ञा दीजिए। विंदा, तुम अपनी कुटिया में जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इसके पास रहे और इसकी शांति में बाधा डाले। पर भोग? भोग? भोग मैं बना लूंगी। जा यहां से। ये क्या कर रही हो? देखो चूल्हे में तो बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है, इस तरह से खाना बनाओगी तुम? जाओ लकड़ी लेके आओ, जाओ यहाँ से। माँ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? माँ विंता से करवाई है ना। भोजन या भोग होता तो उससे दासी से करवाती ये सब कुछ, पर दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या है ये? प्रलोभन है, विशेष जड़ी बूटी है, इसे मैं इस व्यंजन में मिला रही हूं। इसकी सुगंध से तो स्वयं देवता भी अपने आप को रोक नहीं पाते। तो सोचो कद्रू का क्या होगा? कद्रू तो वैसे भी अपने लोभ को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, तो सोचो जब इस खाने की सुगंध आएगी तो फिर वो कैसे खींची चली आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीन बजाते नाक खींचे चले आते हैं। और इस समय माँ विंता भी माँ कद्रू के साथ नहीं है, वो अपना व्रत स्वयं ही तोड़ देगी। वाह, क्या योजना बनाई है माँ! पर आपने गरुड़ को इस साधारण से कार्य के लिए क्यों भेजा है माँ? राहु, कितनी बार समझाया तुम्हें, दीदी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो होता नहीं। अर्थात ये कार्य सुनने में बहुत साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन गरुड़ को अंदेशा भी नहीं है कि वो किस राक्षस की गुफा में जा रहा है। विचित्र सी शांति है हर ओर, पर क्यों? मरुए का आटा आटा तो सामने ही है, परंतु बिना आज्ञा के कैसे ले जाऊं? ये तो चोरी होगी। कोई है भीतर? कोई है भीतर? कोई है? यहाँ क्यों आए हो? मैं गरुड़ हूँ बहन। मेरी माओ ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है, जिसके उद्यापन के लिए मैं सोमदत्त जी से ये मरुए का आटा लेने आया था। ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। आप कौन है बहन? मैं सोमदत्त की पत्नी हूँ। अब मुझे इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप ले जाओ। इनका कोई निजी कारण होगा, मुझे अधिक पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सूर्यास्त से पहले वापस भी तो पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बहन, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं। भैया, उन्हें बचा लीजिए, मेरे स्वामी को बचा लीजिए। वो राक्षस उन्हें अपनी गुफा में लेकर गया है। कौन सा राक्षस, और ये गुफा कहाँ है? पीछे वाली पहाड़ी पे एक काली गुफा है भैया। उस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है। जब भी वो बाहर निकलता है, किसी ना किसी को घसीट के अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर वो मानव कभी नहीं निकलता। और इस बार वो मेरे पति को लेकर गया है। भैया, मेरे पति को बचा लो। चिंता मत कीजिए बहन, मैं आपके पति को सुरक्षित वापस ले आऊंगा।